नमस्कार, सितारों का कारवां और मैं यानी जेवी मनीषा आज के कारवां में आपकी हमकदम। आज इस कारवां में जिस सितारे की चमक के रूबरू हम आपको लिए चल रहे हैं वे हैं श्री जावेद खान। 12 मार्च को मुंबई में जन्मे श्री जावेद खान हमारे कारवां के आज के सितारे। पिछले 4 दशकों से अभिनय को समर्पित एक ऐसे व्यक्तित्व जिन्होंने अभिनय को आम जनता तक पहुंचाया, बिल्कुल उसी रूप में जैसे वे स्वाभाविक तौर पर होते हैं। हर कैरेक्टर की अदायगी में सात्विक समर्पण। जावेद जी ने बड़े से बड़े और छोटे से छोटे किरदार को बड़ी निष्ठा से जिया है। सिल्वर स्क्रीन पर दमकते इनके हर रूप, हर झलक से प्रभावित हम इनसे मिलने की कोशिश में जुटे थे और एक दिन ईश्वर की ऐसी कृपा हुई कि हमें उनसे मुलाकात करने का मौका मिल ही गया। इनके साथ बिताए पलों में हमने जाना जावेद जी के जीवन के वो पहलू जिसे शायद सभी व्यक्ति वाकिफ न हो। जिंदगी मिलने से लेकर के जिंदगी को जानने तक ये दौर होता है बचपन का। बचपन के बारे में अगर जानना है तो जरूरी है कि जिंदगी के प्रारंभिक वर्षों में झांक कर देखा जाए। तो देखिए, बच्चा जब पैदा होता है एक्चुअली उसे पता नहीं होता कि वो कहाँ पैदा हो रहा है, बाद में उसे पता चलता है। तो मुझे पता चला कि मैं मुंबई में पैदा हुआ था, मुंबई जिसका नाम है अब, और मैं यहीं पला बढ़ा। मेरे वालिद डॉक्टर थे और बहुत कमिटेड आदमी थे, तो उन्होंने हमारी बेस में वो डिसिप्लिन और कमिटमेंट और वर्क फॉर ह्यूमैनिटी वो बचपन से डाला हुआ था, जिसकी वजह से हमें काफ़ी तकलीफें उठानी पड़ी जिंदगी में चलने के लिए। जिंदगी में एक समय वो भी आता है जब खुद से खुद की मुलाकात होने लगती है, अपने बारे में पता चलने लगता है। जावेद खान साहब के जीवन में जिंदगी का ये दौर कैसा था, आइए उन्हीं से पूछें। हमने जाना जावेद जी के जीवन का वो पहलू जिससे शायद सभी वाकिफ न हो। बचपन कहाँ सोचता है कैरियर और जिम्मेदारियों के बारे में, जावेद जी ने भी नहीं सोचा था। आज एक सशक्त अभिनेता के रूप में स्थापित जावेद जी फिल्मों और फिल्मी दुनिया दोनों से कोसों दूर थे। आज एक सशक्त अभिनेता के रूप में स्थापित जावेद जी फिल्मों और फिल्मी दुनिया दोनों से कोसों दूर थे। उनके और उनके जीवन के करीब थी खेलों की दुनिया। अपने उस दौर की चर्चा करते हुए जावेद जी ने बचपन और युवावस्था के प्रारंभिक दिनों की यादों के पन्नों को इस तरह उतारा शब्दों की तस्वीर में। जो बॉम्बे इंडिया की टीम जो सिलेक्ट हुई थी, जिसमें गावस्कर साहब भी थे और काफी लोग थे, वो 36 लोगों में मेरा नाम शामिल था। मैं बहुत आगे तक खेला था, लेकिन हालात जो होते हैं ना, वक्त अपने हिसाब से आदमी को बदल देता है। जैसे ही मैंने SSC पास की तो मेरे वालिद का इंतकाल हो गया, तो स्पोर्ट्समैन बनने के लिए मैंने खालसा कॉलेज ज्वाइन किया था कि वहाँ करूँगा, और उन्होंने मुझसे कोई पैसा नहीं लिया, फ्री सब चीज़ मुझे दी हुई थी। लेकिन मेरी तबीयत ख़राब हुई, किडनी में थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई, तो उसकी वजह से उन्होंने कहा अगर तुम भागोगे तो मर जाओगे, स्पोर्ट्स में रहोगे तो मर जाओगे। तो मैं बैठा था ऐसे ही कि मैंने कहा आप क्या करेंगे, और मेरी तो फ्रीशिप कैंसिल हो जाएगी। और मेरे वालिद ने कोई बहुत बड़ी दौलत जमा नहीं की थी, जो मैंने कहा फीस के पैसे कहाँ से आएंगे। तो वहाँ क्योंकि वो नाटक भी करते थे, तो हमारे जो डायरेक्टर थे वहाँ के, एक मिस्टर रमेश तलवार, मैं अपनी मुसीबत अपने मामू दिल्ली में उनको ख़त में लिख रहा था उर्दू में, तो वो देखा, उन्होंने कहा ये क्या कर रहे हो। और स्पोर्ट्समैन होने के नाते उस वक्त ज़रा ताकत जोश भी बहुत होता है, बदतमीजी भी होती है थोड़ी सी उसमें, तो मैंने कहा तुमको दिखाई नहीं देता क्या कर रहा हूँ। उन्होंने ये क्या, अरे मैंने कहा फिर तुमको दिखाई नहीं देता मैं क्या कर रहा हूँ। बोले तुम उर्दू लिख रहे हो, मैंने कहा कमाल है, दिखाई दे रहा है मैं उर्दू लिख रहा हूँ, खत लिख रहा हूँ, फिर भी पूछ रहा हूँ। कहने लगे भाई हम एक ड्रामा कर रहे हैं जिसके साथ हमको पाकिस्तानी सोल्जर चाहिए, जिसकी जबान हमको अच्छी चाहिए, और तुम्हारा तो ये फिजिक इतनी बढ़िया है, तुम लगते हो, तो उसमें काम करो। मैंने कहा फ्रीशिप मिलेगी? उन्होंने कहा हाँ मिलेगी। मैंने कहा मैं करता हूँ। दैट इज़ हाउ आई स्टार्टेड, वी गॉट द ट्रॉफी फॉर दैट। फिर मैं नाटक ही करता रहा, फिर उसमें इनाम मिलते रहे, बढ़ता गया, पता लगा क्या आई कर मेहनत करता रहा, बहुत मेहनत से मैंने फिर उसमें काम किया, और फिर मैं यूनिवर्सिटी ड्रामेटिक्स का चेयरमैन बन गया, बिकॉज आई वॉज वर्किंग वेरी हार्ड, आई थॉट दिस इज वन ऑफ द थिंग, ये मैं नाटक में करता रहता हूँ। मैंने प्रोफेशनल नाटक ज्वाइन कर लिया गुजराती में,
हमारे नाट्य संपदा जिसमें कांति मुंडिया साहब हमारे बहुत पुराने खालसा के थे, उन्होंने मुझे ले लिया। मैंने INT के लिए काम किया और इप्टा के लिए तो मैं काम करता ही रहा हूँ पिछले 30 साल से। इंडियन पीपल थिएटर एसोसिएशन जो है उसका मैं सेक्रेटरी भी रहा 5 साल और मैंने बहुत काम किया उसके लिए, बहुत मेहनत और इज्जत से काम किया। तो मैं आपको बात बताऊँ, मेरी सक्सेस, मेरा जो मुकाम है वो सिर्फ मेहनत, इज्जत और नॉलेज। हमें शौक बहुत था जानने का, हर सेमिनार में चले जाते थे, हर जगह चले जाते थे कि चलो चलते हैं। नई भी घुसने को मिलता था तो हाथ पांव जोड़ लेते थे कि सर अभी ले लीजिए ना सर। नाटक देखना होता था प्रोड्यूसर के पास चले जाते थे, यहाँ के गुजराती थिएटर के, मैं उन सबका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। जब भी पहुँच जाता था तो ये क्या है, मैंने कहा नाटक दिखा दो ना यार। अच्छा नाटक था, अच्छा आ जाओ। उससे कभी किसी ने पैसे नहीं मांगे, लेकिन उन सबको ये पता था कि ये बहुत डेडिकेटेड काबिल वर्कर आदमी है, इसे बात करना चाहिए। इस तरह से हम जो है थिएटर में आ गए। क्रिकेट का दीवाना एक अभिनेता के रूप में पहचाना गया। खेलों से अभिनय की ओर बढ़ने लगे तो सोचा कि जिस काम को करना व अपनाना है उसे क्यों ना पूरी तरह जान समझ लिया जाए। इस विचार के मद्देनजर उन्होंने स्वयं को तराशा, परिश्रम की भट्टी में झोंका और फिर तैयार हुआ एक ऐसा व्यक्तित्व जिसे अभिनय की बारीकियों की समझ थी, अभिनय की गहराइयों का पता था। ऑल इंडिया फिल्म टैलेंट कॉन्टेस्ट आज ही, अल्लाह रामानंद सागर को जन्नत नसीब करे, उन 5 प्रोड्यूसरों ने एक बनाया था, कॉन्टेस्ट किया था, जिसमें ये जनाब हमारे प्रेसिडेंट अमजद खान साहब और मैं एक साथ सेलेक्ट हुए थे। इसकी मैंने एक फिल्म की तो वहाँ मेरी मुलाकात होगी दोस्तों रजा मुराद और किरण कुमार ने। उन्होंने देखा, बोला अरे इधर आओ, ये तुम क्या करते हो? मैंने कहा मैं तो नाटक करूँगा। उन्होंने कहा पागल हो, इसको प्रोफेशन क्यों नहीं बनाते, तुम्हारे अंदर टैलेंट है, तुम इतनी मेहनत इतना अच्छा काम करते हो। मैंने कहा भाई टैलेंट मेरे पास, पैसे नहीं है। उन्होंने कहा पैसे नहीं की जरूरत नहीं है, तू ज्वाइन फिल्म इंस्टीट्यूट। मैंने कहा वो क्या होता है? उन्होंने कहा ये होता है। मैंने फिल्म इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर लिया, फिल्म इंस्टीट्यूट से पास करके मैं वापस निकला, मैंने फिर नाटक शुरू कर दिया बजाय इंडस्ट्री में चक्कर लगाने के। और लोगों ने मुझे देखा नाटकों में अच्छा काम करते हैं, तो यश जी ने मुझे पहला ब्रेक दिया था नूरी में, जिसमें मैंने विलेन का काम किया था। वहाँ से वापस आने के बाद और वहाँ से मेरी शुरुआत जो फिल्मों में हुई। जावेद जी जहाँ स्वयं परिश्रम के मुरीद रहे हैं, वहीं उन्होंने सभी से इस बात की अपील भी की है कि हर मुकाम को पाने के लिए सबसे जरूरी है परिश्रम, लगन, निष्ठा और समर्पण। जीवन में कुछ पाने के लिए सबसे अधिक अगर कुछ खोना पड़ता है तो वो है पसीना। और एक बात तो मैं चाहता हूँ, यारी दोस्ती सब कुछ है, लेकिन अगर आप मेहनत से काम नहीं करेंगे, अगर आपको जो काम दिया गया नहीं करके रहेंगे, तो चाहे आपका दोस्त हो, बाप हो, माँ हो, कोई हो, आप काम नहीं करेंगे। आपको सामने वाले का काम करेक्ट करके देना पड़ेगा, और करेक्ट करके देने के लिए उस वक्त आपके पास टाइम नहीं होता, उसके लिए वो मेहनत आपको बहुत पहले से करनी होती है, जो मैं बचपन से करता चला आया हूँ। मुझ में बर्दाश्त का मादा, जो मैं वो कह रहा हूँ कि अपने उन लोगों को मैं जो शुक्रिया अदा कर रहा हूँ, वो इसका कि मेरे अंदर बर्दाश्त का मादा, कड़वाहट को निगलने का मादा, उसको सहने का मादा, वो सब जो जमा था वो काम आता है जब मैं काम करता हूँ, वो इमोशन मेरे काम आते हैं। इसी बहुत सारी चीज़ें, एक मोमेंट आया था जब मैं बहुत खुश था अंदर, नोबडी टू फील हैप्पी विद मी, तो आपको वो मोमेंट कहाँ से मिलेगा? वो मैंने जमा करा हुआ। दैट कीप्स ऑन वर्किंग एवरी टाइम, कीप्स ऑन वर्किंग व्हेनेवर आई एम अलोन, इट कम्स टू हेल्प मी, दैट मोमेंट बिकम्स ए फ्रेंड ऑफ माइन। सी तो काम, हमारे यहाँ उर्दू में कहावत है, मेहनत कभी रायगा नहीं जाती, कभी भी। हो सकता है कि जो मेहनत, जो काम आप इस वक्त कर रहे हैं वो आज काम ना आए, लेकिन बेकार नहीं जाएगी, वो कल, परसों, इस तरीके से उस दिन आपके काम जरूर आएगी। जो लोग ये सोचते हैं अरे यार ऐसे करने से क्या फ़ायदा, ये तो होगा नहीं, इससे होगा क्या फ़ायदा, वो रह जाते हैं। क्योंकि जब टाइम आता है तो तैयारी का टाइम तो आपके पास है नहीं, इफ़ यू आर नॉट रेडी यू गॉन। लोगों के पास अब टाइम नहीं है कि आपको बोलेंगे अच्छा जाओ तैयार करके आना, ना, तैयारी आपकी होनी चाहिए। तो उसके लिए आपको 24 घंटे काम करना पड़ेगा, हर वक्त सोचना पड़ेगा, मुशाहिदा आपका तो करेक्ट होना चाहिए। और सक्सेस जो है वो तो लानी पड़ती है,
एक और अंग्रेजी की कहावत है कि इज 1% इंस्पिरेशन इज 99% परस्पिरेशन। दिस इज द फार्मूला ऑफ सक्सेस। इतने सिंपल अल्फाज में इतने काबिल लोगों ने हर जबान में बातें कही भी है कि भाई परिश्रम करो, मेहनत करो, तैयारी करो, हार्ड वर्क करो, उसके पीछे सक्सेस है। आज हम सक्सेस, पैसा होगा पर सक्सेस नहीं मिलेगी, आप पैसा आप कमाएंगे। सक्सेस उसका अपना मजा अलग है, उसकी ताकत अलग है, और जो सक्सेस आती है फिर वो ताकत बढ़ती चली जाती है आपको, कीप्स ऑन ग्रोइंग। जितना आप बांटेंगे उतनी, देखिए आज मैं आ गया, मैं बांटने के लिए, कि मेरा जो एक्सपीरियंस है वो लोग सुनने दो, बढ़ने दो, मेरा कुछ भी नहीं जाएगा, मेरी कोई ताकत, कुछ लोगों को कुछ मिल जाएगा और मेरी ताकत इससे और बढ़ जाएगी। ऐसे तो आप काम करते रहिए, आपकी ताकत बढ़ती रहेगी, और उसके लिए आपको पढ़ना लिखना बहुत ज़रूरी है। हर वक्त आपको ये जानना ज़रूरी है कि क्या हो रहा है, क्या ये क्यों हुए हैं, ऐसा क्यों बन रहा है, ऐसी चीज़ पड़ी रहती है, उसकी आदत डाल लेनी है आपको, वो सेकेंड नेचर आ जाना चाहिए कि ये टेबल ये बीच में कटा हुआ क्यों हुई, क्यों, अच्छा अच्छा कुछ होगा लगा नहीं, कुछ कीप ऑन वर्किंग। अब इसका क्या काम, मैं सोचूंगा यार इसे सोच के क्या काम, ये चश्मा ये ऐसा क्यों है, चश्मा ऐसे क्यों नहीं बना है भाई, हो सकता है इसमें से कोई चीज़ आपको मिल जाएगी। तो आपको जो ऑब्जर्वेशन और आपका कॉन्सेंट्रेशन जो है और मजबूत होना चाहिए, कि मैं अभी आपसे बात कर रहा हूँ तो आपकी शक्ल, नाम मुझे याद नहीं रहेगा लेकिन आपकी शक्ल मैं भूलूंगा नहीं, आपसे जो बात की भूलूँ, कि अपने सबकॉन्शियस को भरते रहिए। वो इतना बड़ा काला कुआं है, सारी दुनिया उसमें डाल दोगे तो भी खाली रहता है, और फिर उस पर भरोसा कीजिए तो वो आपको आपके टाइम के ऊपर करेक्ट चीज़ें सप्लाई करता है। दैट मेक्स यू द डिफरेंट आर्टिस्ट, डिफरेंट पर्सन, डिफरेंट मैन फ्रॉम द अदर्स। जिसका वो काम कर रहा है आप उस लीड उसमें आ जाते हैं। मैं शाहरुख खान नहीं हूँ, सलमान खान नहीं हूँ, लेकिन मैं अपने मुकाम को जो नीचा है उनसे किसी को भी दोष नहीं देता, अपने आप को दोष देता हूँ। मेरी अपनी गलती, मेरी अपनी मेहनत, मेरी अपने मुशाहदे में कहीं कमी रही है, थोड़ा सा हो सकता है लिथार्जी को ये, और मुझे जलन हसद होती नहीं, उन्होंने जो बनाया अपनी मेहनत से बनाया, अपनी अकल, अपनी मेहनत, अपना वो, मेरा क्या छीना है उन्होंने कि मैं उनसे जलूँ, क्या अरे यार इतना हो गया, बड़ा मैं खुश होता हूँ बड़ा, मैं कहता चलो यार कोई तो बढ़ा आगे, कोई अपना दोस्त, कोई अपना इंसान आगे बढ़ता है, बट आप उसके पीछे उनकी मेहनत देखिए सर। मैं आज भी सुबह 5 बजे उठता हूँ, 5 बजे उठता हूँ, योगा करता हूँ, अखबार पढ़ता हूँ, बुक्स पढ़ता हूँ खाली टाइम में, नाटक देखता हूँ, इधर जाता हूँ उधर जाता हूँ, टेलीविज़न के सारे प्रोग्राम जो है वो देखता हूँ, जो डिस्कशंस होते हैं उसको होते हैं, इलीट लोग क्या कह रहा है, काबिल आदमी इंटरव्यू आया तो पढ़ो तो सही। किसी का इंटरव्यू अगर आप देखेंगे तो उसने अपनी ज़िंदगी का निचोड़ उसमें दिया हुआ है, इसी तो आप पूरी ज़िंदगी खर्च नहीं करेंगे ना, एक आदमी की ज़िंदगी का निचोड़ आपको टेलीविज़न पर आधे घंटे में उसका इंटरव्यू देख के मिल रहा है, तो भाई उसको देखो ना। '78 में कस्मे वादे फिल्म से अपना फिल्मी सफर शुरू करने वाले जावेद खान साहब ने एक के बाद एक कई फिल्में की। इसी वर्ष फिल्म सत्यम शिवम सुंदरम भी रिलीज हुई, फिर नूरी, झूठा कहीं का, ना खुदा, नर्म गर्म, प्रेम रोग, राम तेरी गंगा मैली, बहुचर्चित धारावाहिक नुक्कड़, प्यार का मंदिर, वारिस, त्रिदेव, आशिकी, हिना, सड़क, राजा बाबू, काला पानी, लगान, टॉम डिक एंड हैरी, और हाल ही में प्रदर्शित फिर हेरा फेरी और उमराव जान में भी इन्होंने अपने सफल अभिनय की छाप छोड़ी। 100 से भी अधिक फिल्में कर चुके जावेद जी अपने सशक्त व सफल अभिनय के लिए किसे देते हैं श्रेय, आइए उन्हीं से जाने। मैं उन लोगों का शुक्रिया जरूर अदा करता हूँ जिन लोगों की वजह से मुझे मेरे बचपन में बहुत तकलीफ़ उठानी पड़ी, और उनका शुक्रिया इसलिए अदा करता हूँ कि अगर वो तकलीफ़ें, वो मुश्किलें, वो मेहनत, वो हिम्मत अगर मुझ में ना जागती उस वक्त, तो मैं शायद इतना अच्छा एक्टर नहीं होता। इसलिए मैं उनकी बुराई नहीं करता,
मैं उनकी तारीफ करता हूँ और उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि उस बचपन में जब वो सारी चीज़ें उनमें झेलने का दम था इसी उस वक्त ही, और ऊपर वाले का भी शुक्रिया अदा करता हूँ। आज अगर वो चीज़ें हों तो शायद मैं ना झेल पाऊँ। जिंदगी की किताब में कुछ पल ऐसे होते हैं जो भुलाए भूलते नहीं, कभी गमगीन करने वाले तो कभी खुशियाँ बिखेरने वाले। जावेद खान साहब के जीवन में एक यादगार पल कुछ ऐसा था। हर आती जाती सांस के साथ कितनी ही बातें और बातों से जुड़े होते हैं अनुभव, जिन्हें हम हर घड़ी जीते और महसूस करते हैं। ये बीती यादें अलग अलग तरह के एहसास करवाती हैं, कभी मुस्कुराहटों के साथ तो कभी आंखों के कोरों पर उमड़ आती हैं नमी के साथ। जावेद जी के जीवन में ढेर से पल ऐसे हैं जो दिलो दिमाग पर अपनी छाप छोड़े हुए हैं। उन यादों में से एक यादगार पल उनके जीवन में कुछ इस तरह से गुजरा। जब मैं अपनी माँ की कब्र पर अकेला खड़ा था तो मैं नहीं भूल सकता। ओह, दैट वाज वेरी डिफिकल्ट। वो तकलीफ, वो अकेलापन भूल नहीं सकता। बस, और उसको मैंने अपनी ताकत बना के इस्तेमाल किया, ये मैं आपको बता सकता हूँ और लोगों को बताना चाहता हूँ कि ये सारे इमोशनल मोमेंट जो होते हैं उसके पर ज़्यादा जिंदगी पूरी रोने से काम नहीं चलेगा। मैंने उसको कई बार अपनी परफॉर्मेंस पे यूज़ किया, उसको याद करके जब मैंने परफॉर्म किया उस तरह की डिफिकल्टी ट्रेजेडिक मोमेंट जो मेरे पास आए थे जब मैंने उनको किया, तो लोगों ने कहा कि यार कमाल है, तुम कैसे कर पाते हो। मैंने उनसे नहीं कहा कि मैं क्यों कर पाता हूँ, आपने आज पूछा इसलिए मैं बता रहा हूँ। और मेरी ज़िंदगी का सबसे अहम रोल जो मैंने किया है वो इंडियन पीपल थिएटर एसोसिएशन इप्टा में MS सत्यों ने डायरेक्ट किया था नाटक सफ़ेद कुंडली, कॉकेशन चौक सर्कल जो वन ऑफ द वर्ल्ड क्लासिक है, मैंने उसमें जज का रोल किया था। एंड परहैप्स दैट इज़ वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मेंस आई हैव एवर डन सो फार, जिसमें शबाना आज़मी भी हैं, वो सारा इप्टा था बिकॉज उसमें इतना बड़ा नाटक है, उसमें सारा इप्टा था। उस नाटक को करने के बाद मैं एक्चुअली समझ पाया कि काम कैसे करना चाहिए। स्टैनिस्लावस्की ने क्या लिखा है, हमको अजीब लगता था बातें, लेकिन वो नाटक करने के बाद जो महसूस हुआ, जिस दौर से मैं गुजरा था, मैंने कहा ओ ये है। तो मैं ये बात आपको इसलिए बता रहा हूँ, उससे ज़्यादा खुशी का मौका, जब भी मुझे कोई तकलीफ होती मैं उसको याद कर लेता, उन परफॉर्मेंसेस को, वो मजमा, वो तालियाँ, ऑल ओवर इंडिया, वेर एवर आई गॉट द वे आई वॉज रिसीव, आई सेड अभी और क्या चाहिए, द थिएटर हैज रिटर्न इट टू मी, द आर्ट हैज रिटर्न इट टू मी द हैप्पीनेस, सो आई डोंट हैव टू अर्न एनीथिंग फ्रॉम द थिएटर और एनीवेयर, आई एम रिच इनफ। हर इंसान के पहलू में एक दिल होता है और उस दिल की कुछ पसंद होती है और कुछ नापसंद। जावेद खान साहब को क्या पसंद है और क्या नापसंद, आइए उन्हीं से जानें। सबसे ज़्यादा मुझे पसंद है कि जो इंसान अपने इंसानियत और फलाबेबुद्धि की बात करे सच्ची ईमानदारी से, उससे अच्छी चीज़ कोई नहीं होती। दूसरे, मुझे क्लासिकल म्यूज़िक बहुत पसंद है। जब मैं क्लासिकल म्यूज़िक सुनता हूँ मैं तृप्त हो जाता हूँ, वो मुझे उड़ा के ले जाती है, हालांकि मेरा कोई ज्ञान उसमें है नहीं, लेकिन मुझे बहुत अच्छी लगती है। सूफियाना कलाम, क्लासिकल म्यूज़िक ना समझ में आए तो भी इतना असर करती है, कुछ ना कुछ समझा जाती है, वो मुझे बहुत पसंद है। हालांकि अब वो भी बहुत महंगा होता चला जा रहा है, जिसका मुझे डर लग रहा है कि हमको मुफ्त में शो देखने की आदतें हैं और अब शो देखने के लिए 1000 रुपये खर्च करने पड़े हैं, वो तकलीफ होती है। तो चाहता तो यही कि दूरदर्शन वाले लोग यहाँ पे एक ऐसे चैनल हो जिसके ऊपर ये सारी चीज़ें लोग पहुँचे, क्योंकि बहुत असरदार है वो और आपकी रूह को ताकत दे देती है, आपको इंसान को जागृत कर देती है। मेरा ख्याल है थोड़ा सा कल्चर से अलग होकर थोड़ी अपनी चीज़ें म्यूज़िक वगैरह जो छोड़ी है ना अपना प्रथा, वो हम तकलीफ में उसको रिकवर कर लेना चाहिए। म्यूज़िक का एक चैनल शुरू करा दिया प्राची में, बहुत अच्छे अच्छे सिंगर हैं, हिंदुस्तान भरा भरा है और अब तो दुनिया खुली हुई है, मामला इंटरनेट इतना बड़ा हो गया कि सारी दुनिया आपके हाथ में भरा पड़ा है। कहीं एक चीज़ सुबह सुबह या शाम को कभी आदमी बैठा हो सुनने को मिले
क्या है, हिंदुस्तान के लोग जो है, जहाँ सारा मीडिया आपका जा रहा है, वो ज़्यादातर गरीब लोग हैं। इस बात का ख्याल जो है, मैं गुजारिश करूँगा, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं गवर्नमेंट में जितने सब लोग हैं, उनसे हाथ जोड़ के गुजारिश करूँगा कि उनका भी ख्याल रखें। उन्हें भी उतना ही हक है क्लासिकल म्यूज़िक सुनने का, एंजॉय करने का, दुनिया देखने का, कि जितना मुझे या किसी और बड़े आदमी को है। लेकिन उनके पास पैसे नहीं है, वो ख़रीद नहीं सकते उसको। और दूरदर्शन जो है वो मुफ्त में उनको चीज़ें पहुँचाता है, जो बहुत अच्छा कर रहा है, बहुत सारी चीज़ें पहुँचाता है, मैं तो शुक्रगुजार हूँ। लेकिन अगर थोड़ा सा और इन्हेंस कर दिया जाए ना कुछ चीज़ों में, जो उन तक पहुँचती नहीं। जो व्यक्ति जितना अधिक चुनौतियों से भरा जीवन जीता है, उतना ही निखर कर उभरता भी है। जावेद जी ने भी 99% परस्पिरेशन की बात कही है। आज इतनी मेहनत करने के बाद एक स्पोर्ट्स पर्सन यानी एक खिलाड़ी का जीवन भोगकर एक सफल व स्थापित तथा चिर परिचित अभिनेता बनने के बाद वे स्वयं ही एक ग्रंथ तुल्य हो गए हैं। इस ग्रंथ से पूरे जीवन का निचोड़ हम प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि वो ग्रंथ हमारे सामने सशरीर है। इनके जीवन से हमने अपने जीवन के लिए मांगा एक संदेश। भाई देखिए, मैं तो सबको संदेश एक ही देना चाहता हूँ कि आपको पूरे दिल लगा के मेहनत करनी चाहिए। जो भी काम आप करते हो उसमें एक अच्छा इंसान बनना चाहिए, इंसानियत की कदर करनी चाहिए, इंसानियत को धर्म मानना चाहिए। धार्मिक पॉलिटिकल इस तरह अलतू फालतू चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए, ये सक्सेस को रोक देते हैं। अगर आपको आप जिस चीज़ में जाना चाहते हैं पूरा ध्यान उसमें लगाइए, अच्छे इंसान में उसके सच्चाई और ईमानदारी से उसमें मेहनत कीजिए, आपको सक्सेस यकीनन मिलेगी। आप नाकामयाब हो ही नहीं सकते, 1% चांस भी नहीं है अगर आप ईमानदारी से काम करेंगे। तो ऐश करिए, खुश रहिए। जावेद खान साहब और अधिक सशक्त किरदार निभाएं, अभिनय के आकाश में उनकी सफलता का परचम लहराए, नवीनताओं से परिपूर्ण हो उनकी सभी भूमिकाएं, यही हैं उनके प्रति हम सभी की सम्मान सहित भावनाएं। समय कहाँ ठहरता है किसी के लिए, और वो नहीं ठहरा हमारे लिए भी, सरक गया हाथ से रेत की तरह। तो अब समय आ गया आपसे इजाजत लेने का, पर हम एक वायदा करते हैं कि इस कारवां के एक नए सितारे से आपकी मुलाकात करवाएंगे अगले कार्यक्रम में। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार।